हेलो, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल डिग फॉर नॉलेज। लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट मार्क्यू टैग इन एचटीएमएल। इन टुडेज वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑडियो एंड वीडियो टैग। लेट्स बिगिन विद इंसर्टिंग ऑडियो फाइल्स। बिफोर वी बिगिन, वी नीड टू नो व्हाट आर प्लगइन और वी कैन से हेल्पर एप्लीकेशंस। प्लगइन एप्लीकेशंस क्या होते हैं? वो एक ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हमें पहले इंस्टॉल करने पड़ते हैं। अगर हमने अपनी ऑडियो या वीडियो को एंकर टैग की हेल्प से इंसर्ट किया हुआ है तो उस केस में हमें हेल्पर एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ेगी। हेल्पर एप्लीकेशन, जैसे इसका नाम बता रहा है, वो हेल्प करती है वेब ब्राउजर को, क्योंकि वेब ब्राउजर इतना केपेबल नहीं होता कि वो उन ऑडियोज और वीडियोज को प्ले कर सके। तो इसके लिए कुछ प्लगइन एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि फ्लैश प्लेयर, रियल प्लेयर एटसेट्रा। वो एक सेपरेट एप्लीकेशन होती है, उनके लिए एक अलग से विंडो ओपन होकर आती है। सो प्लगइन एप्लीकेशंस आर द प्रोग्राम्स दैट कैन इजीली बी इंस्टॉल्ड एंड यूज्ड एज पार्ट ऑफ योर वेब ब्राउजर। दीज आर आल्सो कॉल्ड हेल्पर एप्लीकेशंस। हाउएवर, दीज एप्लीकेशंस रन एज सेपरेट एप्लीकेशंस एंड रिक्वायर अ सेकंड विंडो टू बी ओपन्ड। हम ऑडियो फाइल्स को तीन तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज लिंकिंग, सेकेंड वन इज एम्बेडिंग यूजिंग एम्बेड टैग। ये भी देखिए एम्बेडिंग है, लेकिन इसमें दूसरा टैग यूज हो रहा है, कौन सा? ऑडियो। यानी एम्बेडिंग दो तरीके से हो सकती है, एक एम्बेड टैग यूज करके और दूसरी ऑडियो टैग यूज करके। तो हमारे तीन तरीके कौन से हुए? लिंकिंग, एम्बेडिंग यूजिंग एम्बेड टैग, एम्बेडिंग यूजिंग ऑडियो टैग। सो लेट्स लुक एट देम वन बाय वन। लिंकिंग टू एन ऑडियो क्लिप यूजिंग एंकर टैग, और वी कैन से हाइपर लिंकिंग। सो फर्स्ट वन इज लिंकिंग टू एन ऑडियो क्लिप। इट इज वेरी सिमिलर टू हाइपर लिंकिंग। क्यों? क्योंकि उसमें भी हम क्या यूज कर रहे थे? एंकर टैग यूज कर रहे थे। इसमें भी हम क्या यूज करने वाले हैं? एंकर टैग यूज करने वाले हैं। इसके लिए हमें प्लग इन एप्लीकेशन या यू कह लीजिए हेल्पर एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। उसका एग्जाम्पल आपका रियल प्लेयर है, फ्लैश है। तो उसका सिंटेक्स यानी रूल क्या रहेगा? वही आपका एंकर टैग, सेम एट्रीब्यूट आपका एच आर ई एफ, दैट इज हाइपर रेफरेंस। अब यहाँ पर जैसे वहां हमें कोई फाइल लिंक करनी थी, यहाँ हमें क्या लिंक करना है? साउंड फाइल या यूं कह लीजिए ऑडियो फाइल को लिंक करना है। तो यहाँ पर हम किसका यूआरएल या पाथ देंगे? अपनी साउंड फाइल का। यहाँ पर उसी तरीके से आपका टेक्स्ट आएगा जो आप जिस पर आपको क्लिक करना है ताकि आप वो पर्टिकुलर ऑडियो जो आपने लिंक की है उसको प्ले कर सकें। देन ओके, फर्स्ट लेट अस सी थ्रू द कोडिंग। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम कॉपिंग this line from here which we'll be using in our code, I'm pasting it here। यहाँ URL of the sound file का मतलब है जो मेरा location होगा file का वही। अब देखिए यहाँ पर URL में क्या लिखा है मैंने? k.mp4 यानी मेरी file का नाम k.mp4, क्योंकि मेरी file यहीं पर है, मैंने उसी folder में इसे save किया हुआ है जिसमें मेरा HTML document है, इसलिए मुझे full path देने की जरूरत नहीं है। otherwise आप देख रहे हैं यहाँ पर टूल टिप में सी यूजर्स मोनिका HTML क्लासेस k.mp4, ये इसका फुल पाथ है। यानी अगर हमारी फाइल किसी और फोल्डर में सेव होती तो हम इस तरीके से उसका पूरा पाथ मेंशन करते। सो लेट अस सी इट्स आउटपुट। सो हियर इज द लिंक, प्ले द म्यूजिक। आई एम क्लिकिंग ऑन दिस एंड कैन यू सी द फाइल ओपन सेपरेटली? कैन यू सी द फाइल ओपन सेपरेटली? सो द म्यूजिक हैज स्टार्टेड प्लेइंग। आई हैव द कंट्रोल्स like I can play, I can pause, I can control the volume. This is how we can embed audio files using anchor tag. In this video we talked about linking to an audio file using anchor tag. In the next video I'll be discussing how to embed an audio file or video file using an embed tag.